दिव्य तेजमयो देवा महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जग वंदन अंजनी सुत बलधारी संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट ना आवे ले जो शरण संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान। आप मुझे आज्ञा दे सकते, मुझे सूर्योदय के पूर्व लौट आना है। अब संसार की कोई भी शक्ति उस वनवासी लक्ष्मण को जीवन दान नहीं दे सकती। किंतु मारने वाले से बचाने वाला अधिक बली होता है स्वामी। आपने मुझे इस शापित जीवन से मुक्ति दी। उस काल नेमी नामक राक्षस ने महात्मा के भेष में आपको भ्रमित करने की चेष्टा की है। कपटी मुनि, जय जय शिव। अब मैं तुझे ज्ञान का पाठ समझाता हूँ। जय शिव। जय जय शिव। जय श्री राम। मैंने स्नान कर लिया है महर्षि, अब मुझ में बहुत शक्ति आ गई। उत्तम, अति उत्तम। अब तुम जलपान करके अपनी आत्मा तृप्त करो हनुमान। मैं तो जलपान किए बिना ही तृप्त हो गया हूँ महर्षि, अब तो आपका तृप्त होना शेष है। ये तुम्हें क्या हो गया हनुमान? तुम क्या कहना चाहते हैं? मैं कुछ समझा नहीं। अभी मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ। आपने मेरे लिए जो इतना कुछ किया है उसके बदले मैं आपको दक्षिणा देना चाहता हूँ महर्षि। तुम मेरा अपमान कर रहे हो हनुमान। श्री राम भक्त महर्षि का अपमान, श्री राम भक्त इस महर्षि का अपमान कर रहे हो। यदि आप सचमुच प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो मैं आपका अपमान कैसे कर सकता हूँ महर्षि? आपने मेरी जितनी भी सहायता की है उसकी दक्षिणा तो मुझे देनी ही होगी। हनुमान, मैं दक्षिणा के लिए कोई कार्य नहीं करता। मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। किंतु दक्षिणा दिए बिना मैं यहाँ से नहीं जा सकता। जब मैं दक्षिणा स्वीकार ही नहीं करता तो तुम्हारे देने का कोई अर्थ ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ। दुष्ट बानर, तुमने मुझ पर प्रहार किया, एक महर्षि पर गदा प्रहार। प्रहार नहीं, ये दक्षिणा है महर्षि, आप जैसे महर्षि की दक्षिणा। तुमने मुझे पहचाना नहीं बानर, तुम मुझे नहीं जानते। लक्ष्मण के साथ तू भी यमलोक जाएगा। जीवित बचेगा तो मुझे यमलोक पहुंचाएगा ना तू, और तेरे जैसे कपटी राक्षस को मैं कदापि जीवित नहीं छोड़ सकता। तूने प्रभु श्री राम के नाम पर मेरे साथ छल किया है मेरे साथ, तुझे इसका दंड अवश्य मिलेगा। मुझे छोड़ दो। ये बता, किसने भेजा है तुझे? इसका अनुचर है तू? मैं काल नेमी हूँ, लंकेश ने भेजा है मुझे और मैं लंकेश का अनुचर हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे नहीं पता था तुम्हारी गदा में इतनी शक्ति है।
अब तो पता चल गया ना कि कितनी शक्ति है मेरी गदा में। हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। ठीक है छोड़ दो, मुझे अभी छोड़ देता हूँ। हाँ मुझे छोड़ दो। जय श्री राम। छोड़ दो मुझे, मुझे छोड़ दो। हनुमान मुझे क्षमा दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। पर्वत बहुत दूर है रक्षेंद्र। हनुमान इतना विलंब क्यों लगा रहे? द्रोणाचल पर्वत चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो श्रीराम, हनुमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। पुनः इतना विलंब क्यों हो रहा है? हनुमान तो मन के वेग से तेज चलते हैं। प्रभु जब हनुमान लंका से वैद्यराज को लेकर आ सकते हैं तो द्रोणाचल से संजीवनी बूटी भी ला सकते हैं। किंतु ऋषिराज हनुमान को किसी भी स्थिति में सूर्योदय से पूर्व यहाँ पहुँचना होगा। हनुमान हनुमान मैं जब जय श्री राम बोलूंगा, अब मैं श्री राम का भक्त हूँ। हनुमान जय श्री राम, जय श्री राम। ठीक है अभी छोड़ देता हूँ तुझे। जय श्री राम। संकट मोचन जय हनुमान। मुझे किसी भी स्थिति में संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम की सेवा में अति शीघ्र उपस्थित होना। किंतु हम विवश हैं वानर राज, महादेव के आदेश से बंधे हैं। हमारे विलंब का अर्थ होगा भैया लक्ष्मण के प्राणों पर संकट। भगवान शिव की अनुमति के बिना तुम यहां से संजीवनी बूटी नहीं ले सकते। संकट मोचन जय हनुमान। अकंपन, जो कुछ कहना चाहते हो स्पष्ट कहो। सूचना शुभ नहीं है लंकेश। शुभ और अशुभ का निर्णय करना हमारा कार्य है अकंपन। क्षमा करें महाराज, खर और दूषण सहित हमारे सारे सैनिक मारे गए। यह कैसे हो सकता है? ये सच है महाराज। सच है, खर और दूषण सहित देखते ही देखते दंडक बन के हमारे सारे सैनिक सर्क हो गए। किसने दी है अपने काल को चुनौती? किसने आमंत्रित किया है अपनी मृत्यु को? कौन है वो? कौन है जिसे अपने प्राणों की चिंता नहीं है? कौन है? मैं बताती हूँ भैया, मैं बताती हूँ। भैया
किसने की तेरी ये दशा? कौन है वो दुस्साहसी जिसने तेरी ओर देखने का अपराध किया है? बोल! लंकेश रावण की भगिनी अपनी पीड़ा इस प्रकार अपने आंसुओं में नहीं धो सकती, नहीं धो सकती, नहीं हो सकती। वो इतनी कायर कदापि नहीं हो सकती। बोल स्वर्णरेखा, किसने तुझ पर दृष्टि डाली है? किसने धड़कती ज्वाला में हाथ डाला है? कुछ पूछ कर मेरा पास मत उड़ा भैया। मैं तुम्हारी शक्ति समझ चुकी हूँ, तुम्हारी मान मर्यादा का सच प्रकट हो चुका है। झूठ नहीं तुम्हारा अहंकार। झूठ है तुम्हारा शौर्य, धिक्कार है तुम्हारी शक्ति पर, धिक्कार है भैया, धिक्कार है। स्वर्णरेखा, मेरे क्रोध की अग्नि में और घी मत डाल, मत रख भुजंग के सर पर हाथ, जिसने समस्त सृष्टि को अपने वश में कर रखा है उसे चुनौती मत दे, मत दे उसे चुनौती। सर लगा, ये चुनौती नहीं है भैया, तुम्हारे अंत का संकेत है ये। मुझे किसी भी स्थिति में संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम की सेवा में अति शीघ्र उपस्थित होना। किंतु हम विवश हैं वानर राज, महादेव के आदेश से बंधे हैं। हमारे विलंब का अर्थ होगा भैया लक्ष्मण के प्राणों पर संकट। भगवान शिव की अनुमति के बिना तुम यहाँ से संजीवनी बूटी नहीं ले सकते। मोचन जय हनुमान। जय श्री राम। कदाचित यही है द्रोणाचल पर्वत। चारों ओर जड़ी बूटियां ही दिखाई दे रही हैं। इसमें से संजीवनी बूटी कौन सी है? अब क्या करूं? यहां तो कोई बताने वाला भी नहीं है। हाँ, वैद्यराज ने बताया था कि संजीवनी बूटी रात में भी चमकती रहती है। सारी बूटियां ही चमक रही हैं। अब क्या करूं प्रभु? मार्गदर्शन करें प्रभु, मार्गदर्शन करें। रात्रि का अंतिम पहर बीत रहा है, सूर्योदय के पूर्व पहुंचना भी है। ये आपने मुझे किस धर्म संकट में डाल दिया है प्रभु? किस धर्म संकट में?
इस प्रकार उलाहना मत दे, मत दे उलाहना। बता बता कौन है वो? मैं तेरे आंखों में आंसू नहीं देख पाऊंगा, कदा भी नहीं देख पाऊंगा। मृत्यु को परास्त करने वाले तुम्हारे जैसे भ्राता की भगने की नाक कट गई। इससे लज्जा और अपमान की बात क्या हो सकती है भैया? जिसने अपनी लाज गवा दी हो उसके पास रोने के सिवा क्या बचता है भ्राता, क्या बचता है? मेरे धैर्य का बांध टूट रहा है, शीघ्र बता उसका नाम, शीघ्र बता कौन है वो। जिसे अपने प्राणों से प्रेम नहीं है, बोल सूर्पनखा बोल। अयोध्या के कुमारों ने मेरी ये दुर्दशा की है, मोचन जय हनुमान। उसके सेवक का अस्तित्व भी इस संसार से मिटा दूंगा। महाराज, आप इतनी रात्रि में एकाकी, क्या कोई नई चिंता है स्वामी? मोचन जय हनुमान। कौन हो तुम? कौन हो तुम दोनों और इस पर्वत पर क्या कर रहे हो? हम इस पर्वत के रक्षक और महादेव के सेवक हैं। पर तुम यहाँ इतनी रात्रि में क्या कर रहे हो और किसकी अनुमति से यहाँ आए हो? ये बहुत देर से इस पर्वत पर कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा है गंधर्वराज। ठीक है, बताओ वानरराज, क्या ढूंढ रहे हो इस पर्वत पर? मैं प्रभु श्रीराम का दूत पवन पुत्र हनुमान। क्या तुम दोनों मुझे बता सकते हो कि इस पर्वत पर संजीवनी बूटी कौन सी है? भगवान शिव की अनुमति के बिना तुम यहाँ से संजीवनी बूटी नहीं ले सकते। प्रभु श्रीराम के कार्य में भगवान शिव कभी बाधा नहीं डाल सकते। यदि मेरे पास समय होता तो मैं स्वयं उनकी अनुमति लेकर आता। मुझे किसी भी स्थिति में संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम की सेवा में अति शीघ्र उपस्थित होना। किंतु हम विवश हैं वानरराज, महादेव के आदेश से बंधे हैं। मैं भी अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। हमारे विलम्ब का अर्थ होगा भैया लक्ष्मण के प्राणों पर संकट। क्या तुम भगवान शिव का कोप नहीं जानते? जानता हूँ, भली भांति जानता हूँ, किंतु मैं विवश हूँ और तुम दोनों मेरी विवशता का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास मत करो, वरना अनर्थ होगा। रुको रुको रुको, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है वानरराज? हमें छोड़ दो, हम महादेव के दूत हैं। हाँ हाँ, हम तो केवल इस औषधि की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात है, हमें छोड़ दो। महादेव के नाम पर मुझे रोकने का प्रयास क्यों किया? क्यों किया मुझे रोकने का प्रयास? हमें क्षमा कर दो, ले जाओ संजीवनी, जाओ ले जाओ। जय श्री राम। ये तो संजीवनी की पहचान बताए बिना ही भाग गए। अब तो सूर्योदय होने में कुछ ही समय शेष है, प्रभु की चिंता बढ़ती जा रही होगी। मुझे सूर्योदय होने से पूर्व अति शीघ्र संजीवनी बूटी लेकर प्रभु के पास पहुंचना चाहिए, वरना अनर्थ होगा, अनर्थ होगा।
लंकेश से अधिक शक्तिशाली है? नहीं, कदा भी नहीं। त्रिलोक जय लंकेश रावण से शक्तिशाली ना कोई था, ना कोई है और ना ही कोई होगा। उस राम के साथ साथ उसके सेवक का अस्तित्व भी इस संसार से मिटा दूंगा, मिटा दूंगा। उसके सेवक का अस्तित्व इस संसार से। महाराज, आप इतनी रात्रि में एकाकी, क्या कोई नई चिंता है स्वामी? विजय का वरदान दो माते, वरदान दो कि मैं पुत्र होने का दायित्व निभा सकूं। हमने उस वनवासी लक्ष्मण का अंत कर दिया है। बस माते, आशीर्वाद दीजिए कि उस राम का भी अंत कर सके हम। मान गए हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।